नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज। विधानसभा चुनाव को लेकर शहर देहात गांव ढाणी हर जगह चुनावी चर्चा है, चुनावी बातें हैं, चुनावी कार्यक्रम है। और खास तौर से जो युवा नेता हैं कुंभलगढ़ के, योगेंद्र सिंह जी परमार हमारे साथ में हैं। तो क्या लग रहा है इस बार जैसे विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और यूथ जैसे मजबूत किया है, और क्या यूथ की भूमिका इस विधानसभा चुनाव में कैसी रहेगी? बहुत ज़रूरी है कि यूथ इस पॉलिटिक्स को समझे और बहुत अच्छी रहेगी। मैं समझता हूँ युवा इस बार देश का भविष्य बदलेगा भी और भविष्य बनेगा भी। युवा वोट देगा और कांग्रेस पार्टी को जिताएगा, क्योंकि युवाओं के बेरोजगारी से रोजगार दिलाने के बाबत, शिक्षा दिलाने के बाबत इस सरकार ने बहुत कुछ किया है। येलो साहब की जो योजनाएं हैं, या इन योजनाओं को क्या लग रहा है धरातल पर पहुंचाया जा रहा है, या जैसे आपने कई बार भाषण में भी, उद्बोधन में आपका एक ये दर्द सामने आया कि बीजेपी वाले अपनी योजना बताकर उनका लाभ उठा रहे हैं। अब ऐसा है कि बीजेपी वाले पहले तो कहते थे कि ये फ़ोन जो है ये सड़े गले फ़ोन है, ये सेकेंड हैंड फ़ोन है। अब जब फ़ोन जब उनको मिलने लगे, उनके नाम भी लिस्ट में आने लगे, तो क्या करते हैं, चुपके चुपके आ जाते हैं और चुपके चुपके वीडियो बना देते हैं। रहते लाइन में सबसे आगे और फिर कहते हैं ये तो बीजेपी वाले देते हैं, लेने में सबसे आगे और बोलने दुष्प्रचार करने में भी आके। इसलिए हम तो उनको कहना चाहेंगे बीजेपी वालों को, आप फ़ोन लीजिए, हमारे अशोक जी गहलोत साहब ने दिया है, उस फ़ोन को आप चार्ज कीजिए। बिजली अशोक जी गहलोत साहब ने फ्री दी है, और चार्ज होने के बाद में अगर आपकी आंखें दुख जाए तो आप चिरंजीवी से उनका इलाज भी कराइए, क्योंकि वो भी अशोक जी गहलोत की देन है। और अगर आप बीमार हो के अगर बेड पे पड़े हो और आपको लगता हो कि भाई क्या हो रहा है, मेरा घर कौन देखेगा, तो वो भी अशोक जी गहलोत देख लेंगे। उन्होंने फ्री किट का भी व्यवस्था की है, इसलिए चिंता की बात नहीं है। भाजपा वाले भी जो भी हैं वो भी इस योजना का भरपूर लाभ लें। एक राजनीतिक मुख्य रूप से आप ये चीज़ें कहीं के शिविर के दौरान, तो क्या ये मानते हैं कि अभी भी लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है? वो जैसे उनके हाथ में बैग है अशोक जी गहलोत का, फिर भी उनको मोदी जी बता रहे हैं जी। हम एक ग्रामीण परिवेश से आते हैं और ग्रामीण परिवेश में क्या होता है कि कई ऐसे लोग हैं जो कि जिनको कुछ भी बात करें तो वो इस बात को सच्चाई मान लेते हैं। तो ऐसे बहुत पुराने लोग हैं, उनको लोगों इन लोगों के द्वारा भटकाया जाता है। तो ये मैं समझता हूँ कि इस बार हमारी जो टीम है, हमारे कार्यकर्ता मजबूती से खड़े रहेंगे और इस बात को दृढ़ता से कहेंगे कि अशोक जी गहलोत की स्कीम है, ना कि मोदी जी की स्कीम। एक गत दिनों आपके कुंभलगढ़ विधानसभा में मुख्य रूप से बैठक के दौरान कोई विवाद उत्पन्न हुआ था, पूर्व जो प्रधान है सूरज सिंह जी ने भी सवाल उठाया था, वो क्या विवाद था? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। अब उनके मन में क्या वही जाने, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि जितने भी पूर्व हैं वो मिलके आज के भविष्य को आशीर्वाद दे। और असल में कोई दो जनों की अगर लड़ाई हो जाती है तो उसके बीच में जो किरदार निभाता है उसका अहम भूमिका होती है। वो चाहता है कि दो जने ना मिले, तो वो ज़रूर उनके बीच में दूरियां बढ़ाने का काम करता है, लेकिन बहुत जल्दी इससे भी निवारण कर लेंगे। और ऐसी कोई बात नहीं है, बात का निवारण हो भी चुका है, गलतफहमियां दूर हो गई, बिल्कुल दूर हो चुकी है, गलतफहमियां दूर हो चुकी है। हम सब एक हैं और मिलकर कांग्रेस पार्टी का नेता चुनेंगे, विधायक बनाएंगे और कांग्रेस पार्टी से विधानसभा विजय करेंगे। अभी ये भाजपा की एक जो ये रैली निकली राजसमंद से, मुख्य जो परिवर्तन संकल्प यात्रा, उसमें बीजेपी में कुछ गुटबाजी दिखी, और गुटबाजी के दौरान मुख्य मौजूदा जो विधायक है सुरेंद्र सिंह जी राठौड़, उन्होंने बताया कि इस बार जो गणेश सिंह जी के लिए और आपके लिए कि पिता पुत्र की नहीं चलेगी, वहाँ तो पहले से ही फूट है और इस तरह के हालात हैं हमारे। तो एक अब माननीय सुरेंद्र सिंह जी की आपने खुद हालत देख ली होगी कि सिर्फ गाड़ी के कांच नहीं फोड़े उनके कार्यकर्ताओं ने, बाकी फूट भी जाते हैं। उन्हीं के कार्यकर्ता उनका विरोध कर रहे हैं, इतना बड़ा विरोध आज तक इस 30 साल के करियर में उनका नहीं हुआ। पानी सर से ऊपर निकल चुका और माननीय सुरेंद्र सिंह जी का बहुत विरोध है, इस बार वो मात खाएंगे ये 100% श्योर है। तो इस बार क्या लग रहा है परिवर्तन कुंभलगढ़ में होगा? परिवर्तन हो चुका है, उनके नेता इनके चेहरा परिवर्तन करने की मांग कर रहे हैं और परिवर्तन होगा और कांग्रेस का आदमी यहाँ पर पार्टी से जीत के आएगा। तो बीजेपी की खींचतान का फायदा कांग्रेस को मिलेगा, आम जनता को मिलेगा। मैं समझता हूँ बीजेपी की फूट होगी तो आम जनता सुखी रहेगी, क्योंकि बीजेपी का नेता कभी काम कराता ही नहीं। प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार रहेगी, ये तो फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा, वोट जनता का वोट बताएगा कि सरकार किसकी बनती है और आने वाले समय में क्या चुनावी मिजाज बदलते हैं। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ, धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथ द्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जूरियस 5-स्टार होटल,
राजसमंद जिले की एकमात्र 5-स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।